आज 3 दिसंबर 2021 है। सुबह हम लोग उठ गए थे, अभी तैयार हुए हैं और अभी तो खैर होटल में ही हैं। मसला ये है कि यहाँ सर्दियों में गिलगित में लाइट होती नहीं है। 24 घंटे में से हार्डली 3 से 4 घंटे मुश्किल से होती है। अब होटल वाले भी जनरेटर कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते, दिन में तो खैर चलता ही नहीं है, तो सारा दिन बस वही है कि अभी जैसे ये लाइट चली गई है 8 बजे, 7:55 पर लाइट गई है, 1 घंटा मौजूद थी, 7 बजे आई थी, 7:55 तक मौजूद थी और अब ये चली गई है। अब ये हो सकता है 3 से 4 आए या 2 से 3 आए दोपहर को, और उसके बाद फिर ये रात में किसी टाइम आएगी। तो अब शाम 6-7 बजे, 5 बजे से समझें 4:30-4 बजे से अंधेरा इधर हो जाता है। तो जनरेटर वगैरह का तो कोई ऐसे चलता नहीं है कि जी रेगुलर जनरेटर चले। तो आप लोगों को भी अगर सर्दियों में आना है तो ये ज़रूर ख्याल करना है कि आप होटल वो वाला लें कि जिसमें जनरेटर कम से कम शाम मगरिब के वक्त से और रात 12-1 बजे तक रेगुलर जनरेटर चले। तो यहाँ पर अभी ये मजबूरी क्योंकि है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि रात में जनरेटर जी नहीं चलता, जी जो काफ़ी अब मतलब मोबाइल बस अब वगैरह जिस चार्ज वक्त नहीं लाइट आती करते। है हम मोबाइल चार्ज पे लगा देते, ये मामला होता है। तो बाकी गाड़ी वाड़ी में मोबाइल चार्ज करते हैं। अभी यही है कि आपके सामने देखें लाइट नहीं है। यहाँ से अगर आप बाहर दिखाएं अरमर, तो बाहर धूप निकल आई है, सामने वाले पहाड़ पे धूप है और जो हमारी बैक साइड पे पहाड़ है वहाँ बिल्कुल साया होगी। तो कमरे में ये सिलेंडर के साथ हीटर चलाया हुआ है। फिर भी हमने गैस खुद जी भरवाई है ना। जी तो ये चल रहा है हीटर। बस इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि कोई ऐसा होटल लेंगे जिसमें एटलीस्ट चलें दिन में, तो एटलीस्ट सारे होटलों में जनरेटर नहीं चलता है जब लाइट जाती है तो। लेकिन अंधेरा होते ही रात 12 बजे तक जो है वो तमाम होटलों में जनरेटर चलाए जाते हैं, जो यहाँ पर जी थोड़ा सा ये थोड़ा सा इशू है, इशू है। सर्दी है, गर्म पानी का भी इसी वजह से इशू होता है कि लाइट नहीं है जनरेटर नहीं है तो गर्म पानी का इशू है। और आज हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से गिलगित से स्कर्दू के लिए। तो देखते हैं कहाँ तक हमें रोड मिलता है खुला। स्कर्दू का इरादा है और आगे खापलू का भी है, तो सर्दी तो उधर बहुत है। देखते हैं क्या पोजीशन होती है, कहाँ तक जा सकते हैं। इस वक्त 9:15 हो रहे हैं, होटल से हम लोग निकल आए हैं। ये हमारी 660 CC ऑल्टो गिलगित का जो ये एंट्री गेट है, ये वाला वेलकम टू गिलगित वाला, उसके बिल्कुल बराबर में ये PSO का पंप बना हुआ है, आईबेक्स PSO। ये बहुत अच्छा पंप है, हमने इसका डीजल भी ट्राई करा है, पेट्रोल भी ट्राई करा है, और गिलगित में हमारी ये एडवाइस है कि आप इसी पंप से डालें, और सबसे बेस्ट पेट्रोल जो है इन्हीं का है। यहाँ पे बर्फ़ आप इस साइड पर देख सकते हैं। फुल करवा रहे हैं रमजान खान, नवाज अंकल भी आज हमारे साथ जा रहे हैं। इसका तो नवाज अंकल क्या हाल है? नवाज अंकल बिजी हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। पेट्रोल डलवा के फिर हम आगे का सफर शुरू करते हैं अपना गिलगित और स्कर्दू का। पानी डाला भी ककर पर जाएगी। किसी से भी अभी धूप में तो नहीं होगी ना आगे का धूप में डालना है देखा। ये भी कोई बन रहा है मॉल ऑफ गिलगित। ये अभी हम गिलगित से चल पड़े, फ्यूल हमने टॉप अप कर लिया, 9:22 का वक्त है सुबह के। एवरेज क्या दिया पापा गाड़ी ने? 22.22 माशाल्लाह इसका एवरेज आया है, जिसमें अच्छा सारा खुजराब काफिल शामिल है। जी। क्यों जी नवाज? 22.22 एवरेज आया है जिसपे खुजराब गई है गाड़ी। कैसा एवरेज? हमारे साथ नवाज अंकल है। 100, 110, 120 मैं तो खींच कर लेकर जाता हूँ तुम्हें पता है। नवाज अंकल क्या हाल है, कैसे हैं? कश्मीर हजारा बेकरी इनकी गिलगित एयरपोर्ट रोड पे। सामने पहाड़ पुछ तो बंद करो, तो उसको तुम्हारे पास पुछ हो रहा है जो भी है उसको बंद तो करो। भाई देखो लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड जैसा पहाड़ दिख रहा है, बड़ा जबरदस्त दिख रहा है पहाड़। और ये वो रास्ता जाता है बगरोट को। अच्छा, मैं नवाज को कहता था ना कि कभी चलेंगे बगरोट, और बगरोट का ऊपर है तो
ऊपर पहाड़ों पर ताजी बर्फ पड़ी हुई है। हम लोग गिलगित से निकले हैं स्कर्दू के लिए। सुना सर्दी बहुत है, देखते हैं अब सर्दी का क्या होता है। सर्दी हमें लगती है या हम सर्दी को लगते हैं? हाँ तुम्हें लगेगा पता, जैसी बॉर्डर पे गए थे ना उस तरह की सर्दी है। रमजान को सर्दी लौट ना जाए। और हमारे साथ नवाज अंकल हैं जो कभी कराची नहीं आते। वो कहते रहते आने वाले। उन्होंने कहा था हाय नहीं लेकिन माना हो गया। नवाज को कराची आए और याद करते रहते हैं इसको। वापसी नहीं है उधर ही बैठे। ये तो सबसे अच्छा काम है। आओ उधर ही पे कारोबार ढूंढते हैं। ये यहाँ पे धुआं आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा धुआं है। वालों के पास गया भी था ना, मैंने कहा यार वो हाई रूफ ला मुझे, वो भी कहने लगे जुल्फकार भाई दिमाग खराब हो गया, किधर उसमें जाते हैं आप। मैंने कहा ऐसे पूरे पाकिस्तान के टूर का इरादा है कराची से लेके गिलगित तक ना। कहने लगे क्या हो गया है आपको, कमर दुख जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। सीटें अच्छी नहीं है, नई सीटें कंफर्टेबल नहीं है। मैंने यूनिवर्सिटी के समय यूनिवर्सिटी के जमाने में एक आध दफा दो दफा ऐसे चलाया था, तो उस वक्त तो हम अरमज जैसी एज थी तो उस वक्त तो बड़ा मजा आया था कराची में आधा घंटा एक घंटा चला के। इधर तो भी चलाएं ना, क्या है डब्बा में दो घंटे के लिए सफर करे या तीन घंटे के लिए ठीक है, ज्यादा तो बंदा नहीं चला सकता। अच्छा यहाँ पर गिलगित में कैरी गई, थोड़ा चला के देखेंगे। कराची से नहीं मतलब आ सकते? आ क्यों नहीं सकते, गियर वगैरह सही लगते हैं, थक जाने का। कोई कह रहा था गियर हार्ड होता है, कैरी कार तो नहीं है ना, गियर जोर से लगता है, कैरी की 70-80 से ऊपर स्पीड ही नहीं जाती है। मुझे वो सुजुकी वाले यही कह रहे थे, कहने लगे जुल्फकार भाई छोड़ दे आप इस चीज को ना। मैंने बोला, कहने लगे कि वो है, मैंने कहा ऑन कितना है, कहने लगे 35,000 रुपए है ना इस पे ऑन, अभी आप ले लें। कहने लगे प्राइसेस बढ़ जाएंगे अभी ले लें। मैंने कहा यार वो 21 मॉडल आएगा, हम आए 22 में तो फिर 22 मॉडल होना चाहिए। नहीं अभी जो नया आ रहा है ना, एक और दिखा रहे हैं आजकल टीवी पे, वो ऐसे ही वो कर रहा है चक्कर, कोई नहीं आना, यही है, यही आ रहा है। हां यही आएगा। मैं तो अभी उस दिन बैठा हुआ था ना। फ्यूल एवरेज क्या देती है, कुछ अंदाजा है आपको? अच्छा उसका भी अच्छा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना सिंगल की उलट जाती है मोड़ों पे, उलट भी जाती है स्पीड से मोड़ोगे तो गई उलट जाती है। कराची में एम्बुलेंस वालों को नहीं देखा कैसे चला रहे होते, कोई नहीं उलटती यार। मेरा बस की नहीं है इसका मतलब। बोला ना कराची से आप कैरी पे 5 दिन में गिलगित पहुंच सकते हैं। हाईएस्ट ठीक है, हाईएस्ट तो बहुत अच्छी है। ग्रैंड केबिन वो जो फुल लग्जरी वाली जो है, ऐसी नहीं कुछ भी हाईएस्ट वैसे जो ये आगे आपके आगे चल रहा है ये भी चलाएगी इस गाड़ी से भी अच्छा होगा। नहीं नहीं ये तो नहीं, अल्लाह माफ करे, ग्रैंड केबिन चाहिए। ये गाड़ी चलाते हुए इतना मजा आता है ना, हाईएस्ट का मजा बड़ा है, मैंने चलाई है बड़ी। वीगो का तो हाईएस्ट का एक ही है इंजन है ना, वीगो चलाए पिकअप चलाए। आजकल नई सारी पेट्रोल आ रही है, नई सारी पेट्रोल इंपोर्ट हो रही है। जीडी भी आया ग्रैंड केबिन में, बहुत कम है ना होने के बराबर है सारी पेट्रोल। आपके नजदीक अच्छी कौन सी है, पेट्रोल या डीजल? डीजल की चढ़ाइयों पर डीजल का मजा ही अलग है, पेट्रोल साला कुछ भी हो उसका मजा ही कोई नहीं है, चढ़ाइयों पर तो मजा ही डीजल का है जो आता है उसका मजा, मगर वो सारी पेट्रोल है। ये मसला है 2.7 2700 cc पेट्रोल है सारी। 4 किलोमीटर और हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू के लिए। ये आ गया है जी जंक्शन पॉइंट ऑफ स्कर्दू। स्कर्दू जंक्शन आ गया है। आज 3 December 2021 है और हम लोग गिलगित से स्कर्दू के लिए निकले हैं। ये न्यूली बिल्ट रोड है, ये दम्बूदास स्कर्दू खपलू, और ये आप देखें ये रोड इन्होंने बनाई है। ये हमारे पिछले इसमें भी तो खैर यहाँ तो ये थी, और नीचे ब्रिज अगर आप दिख रहा हो आयरन ब्रिज राइट साइड,
बस ये ब्रिज इन्होंने वही पुराना रखा हुआ है, अगर ये पीछे से बना देते तो ये काफ़ी डिस्टेंस सेव हो जाता, जो इतना लंबा चक्कर घूम के आप जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो रोड अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, न्यूली बिल्ड है। कह रहे हैं कि 90% बन गया है इसका, अभी तक अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। बस अब ये चीज़ है कि रोड ऐसा बन जाता है तो ये जो NCP वाले हैं गाड़ियाँ बहुत भगाते हैं, इनकी कोई वो अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करा है कि भी गाड़ी कैसे चलानी है, क्या करना है। रोड पर खड़े होके पूरा हाल अहवाल इनका चल रहा होता है। ये आ गया है स्कर्दू का ये ब्रिज, आयरन ब्रिज है ये, और हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू के लिए।